तो यहाँ पे यह विठल स्वामी का मंदिर इधर। तो यहाँ से हम मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर के दर्शन करेंगे। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर परिक्रमा कक्ष, और इस परिक्रमा कक्ष से हम चारों तरफ परिक्रमा लगाएंगे और वहाँ से हम मंदिर के दर्शन करेंगे। अब हम जल्दी जल्दी यहाँ भागते हुए जा रहे हैं। ये भगवान का मंदिर दान कर तो यहाँ पे हमने दर्शन किए हैं मंदिर में, और यहाँ से हम अब चलेंगे भगवान के दर्शन करने को। साथ किसी को कहीं फिट रहे कहीं बंद बंद रहे। तो यहाँ पे पीछे का वो मंदिर जो हमने देख लिया है, और मंदिर के अंदर गए और यहाँ पे विठल भगवान की एक प्रतिमा है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो पीछे की साइड में, और पीछे चंद्रभागा नदी है। ज़बरदस्त लगा यहाँ आए देखने को। तो यहाँ से हमने चंद्रभागा नदी के दर्शन करने के बाद हम वापस चल रहे हैं मंदिर की ओर, और मंदिर की ओर चलने के बाद भी देखेंगे उधर को मंदिर में चलने का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु भक्तजन हैं, बहुत ही यह पंडरपुर का लोग बहुत जोरदार होने वाले हैं दोस्तों। ये लंबा भी है, दो भाग में इसको कम से कम दो भाग में डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि ये कम से कम आधे घंटे का लोग है, और इतना मज़ा आएगा पंडरपुर का लोग। यहाँ से हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं, और देख सकते हैं आप बाजार कितना रंगीन है यहाँ। यह है पंडरपुर का जोरदार और अच्छा सा बाजार है यहाँ पे, देखिए श्रद्धालुओं को। और एक सपना ही है जैसे कि हम अपना देख रहे हैं यहाँ पे, कि भाई मंदिर में जाने का, और भगवान ने उनको यहाँ पर बुलाया, याद किया, बहुत अच्छा लगा। और इस बाज़ार में हम चल रहे हैं, यह है मंदिर के ऊपर गुम्बद लगाए जाते हैं शिखर पे प्लस, कि यहाँ पे ये यहाँ पे पूरा बाजार। ये यहाँ पे दुकानें देख सकते हैं आप सजावट। तो जैसा कि दोस्तों हम मंदिर में गए और मंदिर में हमने टीका लगवाया, और यहाँ पे मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, इसके लिए हम मंदिर से वापस आए और वापस लोग बना रहे हैं। और अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, और आगे चल के आपको मंदिर का मुख्य द्वार बताएंगे क्या, और बहुत ही मज़ा आया दर्शन देखने का। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल नए हैं तो उनको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। यह है हमारा मुख्य द्वार। तो ये है मुख्य प्रवेश द्वार, यहाँ से मंदिर की जाती है, और यहाँ से मंदिर है, और यहाँ से ऊपर की तरफ जो चलते हैं तो वहाँ से जो श्रद्धालु है वो चरण दर्शन करते हैं, और इधर से जाने वाले मुख दर्शन करते हैं। तो अब हम यहाँ से वापस अपने स्थान पर जहाँ से हम आए थे गुलबर्गा, तो वहाँ पे रवाना हो चुके हैं, और यहाँ से अब हम जाएंगे कौन ग्रुप वाले हैं यहाँ पे, उनके पास में कीर्तन है उनके थ्रू। तो यहाँ पे हम
सबको यहाँ पर आने पर हमारी मतलब सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। जितने भी हम अपने दोस्त आए थकेमंद थे तो वो थकान भगवान के दर्शन करते ही हमारे पूरी हो गई। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसके साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही।